हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी है वेज नूडल्स। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया, उसमें प्याज ऐड की है, साथ में कुछ मैंने हरी प्याज भी ऐड की है। आज की रेसिपी बहुत डिलीशियस होने वाली है और मैंने हेल्दी भी, क्योंकि मैंने इसमें सारी ग्रीन वेजिटेबल यूज़ की हैं। इसके बाद हम इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। एक पूरी शिमला मिर्च मैंने इसमें काटी थी तो वो ऐड कर दी है। अब इसके बाद हम इसमें गाजर ऐड कर देंगे और दो कटी हुई हरी मिर्च जो मैंने पहले से रखी हुई काट कर वो डाल दूंगी। इसको अच्छी तरह से चला लेंगे, सब्जियों को पका लेंगे। सब्जियों को सिर्फ सॉफ्ट रखना है, ओवर कुक नहीं करना है। ओवर कुक करोगे तो आपकी सब्जी जो है उसका क्रंच ख़त्म हो जाएगा। ये सब अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम एक चम्मच, सॉफ्ट हो गई है, उसके बाद हम एक चम्मच काली मिर्च ऐड करेंगे। इसको भी अच्छी तरह से चला लेंगे। इसके बाद हमने जो पहले से बनाई हुई मैगी बॉईल करके रखी है उसको ऐड करेंगे। ये भी मैंने ऐड कर दी है। साथ ही साथ इसके आधा ढक्कन हम सोया सॉस ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छी तरह से सबको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना डिलीशियस दिख रही है। इसके बाद मैं एक चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड करूंगी, साथ ही साथ इसमें नमक भी ऐड कर दूंगी। अब हम नमक डालने के बाद इस सारी चीज़ों को सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले और सोया सॉस सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। डिलीशियस रेसिपी बनके तैयार हुई है। बहुत कम समय में बनने वाली रेसिपी है। आप इसे सुबह बच्चों को नाश्ते में, टिफ़िन में भी रख सकती हैं और ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। ये देखिए हमारी वेज नूडल्स ऑलमोस्ट बनके तैयार है। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें मैंने चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दी है, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसलिए मैंने बची हुई मैगी जो हमारे पैकेट में टूट जाती है उससे बनाई है। आप क्या करते हैं उन मैगी का मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारी वेज नूडल्स बन के तैयार है, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बन के तैयार हुई है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।